देन हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर डब्ल्यूसीसी करियर मोड गेम प्ले। तो लास्ट वाले करियर मोड के गेम प्ले के अंदर आपने दांसुई सपोर्ट दिखाया था, तो उस सपोर्ट के बाद यहां पर मेरा पार्ट टू आ चुका है। और मैं आपको एक बात बता दूं, बीच के मैंने गेम प्ले सारे के सारे सीपीएल के कट कर दिए थे, बिकॉज उसके कुछ रीजंस थे जो मैं आपको नहीं बता सकता। तो दैट्स व्हाई अभी ये होने वाला है ग्रैंड 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 सेमीफाइनल। अगर मैं इसको जीत जाता हूँ तो मेरे करियर के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा और भी मुझे काफी ज्यादा लीग्स खेलने को मिलेंगी। तो मुझे इसको खेलना और जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं इसको जीत जाता हूँ तो मेरे बहुत ज्यादा भले की बात है। यहाँ पर हम टॉस जीत चुके हैं, टॉस जीतने के बाद बैटिंग का डिसाइड करूंगा। यहाँ पर इस वाले टूर्नामेंट के अंदर मैंने बैटिंग का कुछ धमाल नहीं मचाया है, कुछ एक सेंचुरी मारा था और कुछ 50 मारे हैं मैंने। बाकी मैंने इस वाला टूर्नामेंट के अंदर ज्यादा कुछ किया है नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं अभी सेमीफाइनल के अंदर हम क्या करते हैं। तो अभी मैदान खुला है तो मुझे छक्के चौके अभी मारने पड़ेंगे। ओके, एक बड़ा शॉट, लेट टाइमिंग, बट चौके के लिए जाता हुआ। यहाँ पर जितने हो सके पावर प्ले के अंदर मुझे रन बनाने हैं, बिकॉज बाद में तो रन बनने वाले हैं नहीं, ये बात तो पक्की है। भाई अभी मैंने कुछ डॉट बॉल खेल लिए हैं, छक्का लगाते हैं। कंट्रोल। अबे इतनी खतरनाक वाली डाइव मार ली भाई, कैच पकड़ लिया मेरा। अबे नहीं यार, अरे ऐसे कैच थोड़ी ना पकड़ते हैं, छोड़ उसको। भाई सेमीफाइनल के अंदर मैं बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुका हूँ भाई, इतनी टट्टी बैटिंग की है ना मैंने। ऑटो प्ले कर देते हैं यहाँ पर, अभी मैच को देखते हैं वो कितने रन बना पाते हैं। अभी मुझको बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग करना पड़ेगा एड टू एड। भाई यहाँ पर ज्यादा ओए 146 का टारगेट, जिसके अंदर सबने थोड़े थोड़े रन का कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी कि थोड़ी सी आड़ पिच थी है, इतना भी आसान नहीं था रन बनाना। तो यहाँ पर मैंने अच्छे खासे रन बना दिए, 14 रन ठीक है। वैसे इस वाले टूर्नामेंट के अंदर मेरा एवरेज 40 का चल रहा है। छोड़ो यहाँ पर उनकी बैटिंग है, पहला ओवर फेंकने आऊंगा मैं। 128 विकेट ले रखे हैं भाई मैंने, छोटी बात तो नहीं है 128 विकेट। यहाँ पर अभी स्लो बॉल डालते हैं, यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल शानदार तरीके से मुझे बॉल करना पड़ेगा, लेंथ बढ़िया रखना पड़ेगा। ओके यहाँ पर पहला तो डॉट खेल दिया, मगर बढ़ते हैं थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पर ये वाला ओवर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, तो यहाँ पर एक नो बॉल गिरता है, एक चक्का लगता है और यहाँ पर एक विकेट आता है, मगर दूसरा बॉल भाई एक और विकेट आता हुआ, बहुत शानदार सा विकेट था ये। ओहो भाई नाचते हुए जा रहा है बंदा। यहाँ पर ये वाला ओवर थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग टाइप का है, पता नहीं क्या क्या हुआ इस ओवर के अंदर, मगर यहाँ पर ये मेरे स्पेल का लास्ट ओवर होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अभी मेरे दो बॉल बचे हुए हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट ये मैच इनके हाथ में, अगर विकेट नहीं गिरता तो यहाँ पर मैच इनके हाथ में, मगर ओए बच गया। यहाँ पर अगर विकेट नहीं गिरता तो ये मैच को जीत जाएंगे भाई, मैच के ये बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। वैसे जितने भी मैचेस थे मैं एक बॉलिंग ट्रिक लगा के सारे मैचेस को जीत रहा था, मगर कुछ मैचेस को मैं फेयर तरीके से जीतना चाहता था, जो कि ये उनमें से एक था। ओ भाई भाई लग चुका खतरनाक वाला यहाँ पर, भाई बहुत ज्यादा बढ़िया सीन हो चुका है, बहुत खतरनाक वाला सीन हो चुका है यहाँ पर। देखते हैं अगर विकेट गिर जाता तो ठीक है, वरना अगर विकेट नहीं गिरता तो भाई मेरे टीममेट को सारा संभालना पड़ेगा और मुझे अपने टीममेट के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ओके इम्पैक्ट इन लाइन है जी, इम्पैक्ट इन लाइन, विकेट्स विकेट्स वेटिंग। भाई साहब यहाँ पर मैच ओवर हो चुका है, यहाँ पर बढ़ते आगे आपको और दिखाता हूँ। ओके देन यहाँ पर हम सेमीफाइनल को जीत चुके हैं 43 रन से, यहाँ पर बहुत बड़ी विक्ट्री है हमारे नाम। यहाँ पर मैन ऑफ द मैच, ओके यहाँ पर मैन ऑफ द मैच मिलता है मुझको, 7 विकेट लिए और 14 रन दिए हैं मैंने। यहाँ पर अभी हमारा फाइनल बाकी है, तो भाई आपसे मिलता हूँ फाइनल के अंदर।